हाय, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस वीडियो में हम आपके साथ आरआरबी का जो शॉर्ट नोटिस अभी आया है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें आरआरबी ने बताया कि जो फर्स्ट स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा तो उसमें जो है हर एक पार्ट से, जैसे कि मैथ्स के पार्ट से कितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल साइंस के पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस चीज़ के बारे में उन्होंने इस नोटिस में उन्होंने डिटेल से इस बारे में बात किया है। देखिए, जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में आपसे आपको बताया था कि टोटल जो है 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? 75 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और आपको जो है 60 मिनट का समय दिया जाएगा, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा 75 क्वेश्चन के लिए, 60 मिनट्स का टाइम। देखिए, ये जो 75 क्वेश्चन रहेगा उसमें मैथ्स के सेक्शन से अगर देखा जाए, मैथमेटिक्स के सेक्शन से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के सेक्शन से 20 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के सेक्शन से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इसको आप टोटल जोड़ते हैं तो देखिए 20, 20, 40, 10, 50, 60, 70, 75, यानी कि टोटल हो जाता है 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन, समय कितना दिया गया? एक घंटे का समय दिया गया। देखिए, अगर आप अच्छे से अगर प्रिपेयर करते हैं तो देखिए मैथ्स में जो है लगभग रखिए कि अगर अच्छा अगर आपका प्रिपरेशन है तो कम से कम 18 मार्क्स आप ला सकते हैं 20 में, 20 आउट ऑफ 20 भी ला सकता है बहुत सारा स्टूडेंट, लेकिन 18 मिनिमम आप ला सकते हैं। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें तो 25 में 24 आराम से लाया जा सकता है, इवन 25 में 25 भी स्टूडेंट ला सकते हैं। जनरल साइंस में भी वही बात है, अगर आप मैथ से ऑब्वियस हैं कि आप मैथ से और फिजिक्स से होंगे, मतलब ISC में आपका होगा, तभी आप जो है ALP और टेक्नीशियन का फॉर्म आपने फिलअप किया होगा, ठीक है। तो आप रखिए कि इसमें 20 में कम से कम आप जो है 19 मार्क्स जो है आप ला सकते हैं आराम से। और इस करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का जो सेक्शन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा, इसमें हम रखते हैं कि 5 से 6 मार्क्स भी अगर आप स्कोर करते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। अगर इस 5-6 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो, अगर इसको 5 मार्क्स को और जोड़ दिया जाए तो इसको टोटल को आप जोड़िए, 8, 4, 12, 12, 9, 21, 21, 5, 26, 26, 6, 2, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, यानी 66 क्वेश्चन, यानी 66 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट ले सकते हैं, बहुत ही मतलब अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। आउट ऑफ 75 क्वेश्चन, अगर 75 क्वेश्चन में अगर आप 66 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट लेते हैं तो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें से अगर जहाँ आप 60 से लेकर 62 क्वेश्चन तक भी अगर आप सही कर देते हैं तो ऑब्वियस है कि सिलेक्शन फर्स्ट स्टेज के लिए तो निश्चित ही हो जाएगा जनरल कैटेगरी से। बाकी और अगर आप ओबीसी से हैं तो थोड़ा 5 नंबर कम कर लीजिए, SC ST से हैं तो लगभग रखिए कि 55 तक में भी या 54 तक में भी सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट स्टेज के लिए। तो इस तरह से रेलवे ने ये शॉर्ट नोटिस दिया था, इसके बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह से हर एक सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।